बिग बॉस 17 में डबल इविक्शन हुआ। जी हाँ, वोटों की कमी की वजह से साल 2023 की आखिरी वीकेंड कवार पर रिंकू धवन और नील भट्ट को बिग बॉस के घर से बाहर निकाल दिया गया। दोनों ने बाहर निकलने के बाद मीडिया से बातचीत की और बताया कि उनके हिसाब से बिग बॉस 17 का खिताब कौन जीत सकता है। इतना ही नहीं, नील ने तो ये भी बताया कि वो बिग बॉस 17 के बाहर किन लोगों का चेहरा बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हैं। नील ने इंटरव्यू में कहा कि वो ईशा मालविया, समर्थ उजरेल, अंकिता लोखंडे और विक्की जैन की शक्ल कभी भी नहीं देखना चाहेंगे। उन्होंने अभिषेक कुमार और अरुण महाशेती को अपना एक छोटा भाई बताया है। वही रिंकू धवन के लिए स्वीटहार्ट शब्द का इस्तेमाल किया है। नील भट्ट से जब इस इंटरव्यू के दौरान बिग बॉस 17 के मजबूत खिलाड़ियों का नाम पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग और वीक का मापदंड क्या है। मैंने घर के अंदर रहते हुए भी कई बार ये सवाल किया और जो मुझे समझ आया उसके हिसाब से ये गेम रिश्तों का गेम है। मुन्नवर और विक्की शुरुआत से नंबर गेम के पीछे पड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी रियलिटी चेक मिला है कि नंबर्स का नहीं रिश्तों का खेल है, ऑथेंटिक, रियल और ऑर्गेनिक रिश्ते। हालांकि इस वक्त सबके रिश्ते हिले हुए से हैं। अब देखिए आगे आगे किसके रिश्ते बनते हैं, उनके हिसाब से ही चीजें तय होंगी। वैसे मैं अभिषेक कुमार को विनर बनता देखना चाहूंगा। रिंकू धवन ने कहा कि उनके हिसाब से बिग बॉस 17 के तीन सबसे मजबूत खिलाड़ी मुनव्वर फारूकी, अंकिता लोखंडे और विक्की जैन है। जब इंटरव्यू के दौरान रिंकू से ही पूछा गया कि वो बिग बॉस 17 के विनर बनने की क्वालिटी किस में देखती है, तब रिंकू धवन ने मुनव्वर फारूकी का नाम लिया है।